नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाइए और नए वीडियो की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल हिट शॉट फिल्म में। आज के इस पार्ट में हम देखेंगे, अगर आपके लैपटॉप में जो स्पीकर्स लगे हुए होते हैं उनका साउंड अगर वैल्यूम अगर उसका कम हो जाए तो उस वैल्यूम को कैसे बढ़ाना है। जनरली हम क्या करते हैं, जैसे अभी कोई भी सॉन्ग हो जब हम प्ले करते हैं, ठीक है, तो प्ले करने के बाद जो साउंड होता है वहाँ पे अगर हम फुल भी कर दें तो पहले जितना उसका वैल्यूम अगर आपके लैपटॉप में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, तो मैं आज आपको इसी सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको जाना होगा साउंड पर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो साउंड वाला जो स्पीकर वाला आपको यहाँ पे आइकॉन मिलता है वहाँ पर आपको प्लेबैक डिवाइसेस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्पीकर्स का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ऊपर की तरफ आपको जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे जनरल लेवल्स एनहेंसमेंट डॉल्बी एडवांस और स्पेशल साउंड, तो जैसे ही आप यहाँ पे एनहेंसमेंट में जाओगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन आपको मिलने वाला है डिसेबल ऑल एनहेंसमेंट, तो यहाँ पे अनचेक करना है आपको। अनचेक करने के बाद आपको यहाँ पे लाउडनेस इक्वलाइजेशन पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। अप्लाई करने के बाद जब आप आपके लैपटॉप में साउंड प्ले करोगे तो वहाँ पे आपको साउंड क्वालिटी जो साउंड वैल्यूम जो है वो आपको बढ़ गई है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हमारे जो आने वाले नए वीडियो हैं वो आप ईमेल के थ्रू मिलते रहेंगे। तो देखते रहिए हिट शॉट फिल्म्स। थैंक यू।